इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। इंशाल्लाह आज दिन में हो जाएगा वो अरेस्ट। अब SHO ने और DO ने भी अभी इंश्योर किया, अभी हमें हमें गलत कर रहा हूँ, बच्चा उसका आ गया, वो बोल रहे हैं सर कुरुकबाल लेके सर पे लगाए और दो बंदे जख्मी, एक ही सर्जरी आंटी साहब को पता है। कोई बात नहीं, कोई बात, हम नहीं छोड़ेंगे यार, सुनो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमने पहले भी सुना है वो उसके सर आज तक 5-8 FIR डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमने पहले भी सुना है वो। मेरा नाम मेहराजुद्दीन है, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पटवार एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट गांधरबल हूँ और आज का ये प्रोटेस्ट इस ज़मीन में हो रहा है कि तहसील वाकूरा में कल एक अटैक हुआ हमारे मुलाजमीन पर। एक बंदा है वहाँ जिसने इलीगल कंस्ट्रक्शन की थी और हमारे बंदे वहाँ गए थे, हमारी जो स्टाफ है, फील्ड स्टाफ और मिनिस्टेरियल स्टाफ, वो उसको रोकने के लिए गए थे कि भाई आप ये गलत काम कर रहे हो, आप इलीगल एनक्रोचमेंट कर रहे हो। तो उसने वापस में उस एक तेज़ हथियार से हमला किया जिसके नतीजे में हमारे दो बंदे, एक पटवारी और एक मुहसिब हमारे सीनियर असिस्टेंट, वो ज़ख्मी हुए हैं, उनको सर में चोट लगी है, एक के बाजू में फ्रैक्चर है और दूसरे के सर में चोट लगी है। इस ज़मीन में हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर के पास हमने आज प्रोटेस्ट किया है और हम थैंकफुल हैं DC साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गांधरबल के, जिन्होंने प्रॉम्प्ट एक्शन करके SSP गांधरबल को डायरेक्शन दिया है कि उनको 307 में बुक कीजिए। और सुनने में आया है कि उसका FIR भी 307 में हुआ है और बट अनफॉर्चुनेटली वो अभी एबस्कॉन्डिंग है। पुलिस भी कोशिश कर रही है और DC साहब भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको आज अरेस्ट करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ। मेरा नाम है मोहम्मद अशरफ शेख, मैं एज अ कलर। आज का जो ये प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट इसलिए है कि मुलाजमीन जो जाते हैं एंटी इनक्रोचमेंट ड्राइव करने के लिए, इनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, वो नहते होते हैं। हम DC साहब को ये यहाँ एक याद दिलाना चाहते हैं कि जब भी फील्ड स्टाफ हमारा एंटी इनक्रोचमेंट ड्राइव के लिए जाए, उसको पुलिस प्रोटेक्शन होने चाहिए और मुलजिमों के ख़िलाफ़, या कोई एक मुलजिम है या इससे ज़्यादा भी अफराद इसमें मुलवस है, उनके खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, DC साहब ने जहाँ